conspiracy against the Dalits and the OBCs of the country. सौरभ, सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं उनके अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है कि उस संविधान में अब जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसके तहत उससे उस 49% से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी 49.5%। ऐसे में क्या आपको लगता है कि स्वर्णों को कोई अधिकार नहीं है, ये 10% जो आरक्षण की बात हो रही है वो मिलना ही नहीं चाहिए और आप इसका विरोध कर रहे हैं, क्या यही माना जाए आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है? मुझे लग रहा है कि जो 8 लाख रुपए से कम की दायरा है, मुझे लगता है इस कमरे में जितने भी लोग हैं, हम लोग और पत्रकार लोग, शायद सब लोग उस 8 लाख के दायरे में आते हैं। और आप दिल्ली के अंदर लगभग मुझे लगता है कि 95% या शायद उससे 99% लोग जो हैं वो उस 8 लाख रुपए लोग 8 लाख सालाना आय के दायरे में आते हैं। तो वो सारे के सारे लोग जो अभी तक 51% के अंदर कॉम्पिटिशन कर रहे थे, आप समझ रहे हैं बात को, जिन सब लोगों को पहले से 51% मिला हुआ है उनको उस पर बोल रहे हैं कि आपके लिए 10% रिजर्व कर दिया, तो वो कुछ है ही नहीं। आप समझिए कि उस 10% की जो मेरिट लिस्ट होगी वो सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट जैसी चलेगी, तो उसके अंदर आप उनको कुछ दे नहीं रहे, मगर आप एक विंडो खोल रहे हैं संवैधानिक, आप एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक विंडो खोल रहे हैं जिसमें आप आर्थिक आधार को घुसाकर पहली बार लाएंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे जो सामाजिक आधार है उसको निकाल दें। लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि अच्छा देखिए, जब ये मुद्दा सबसे पहले आया था तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद जो खुलासे उसके बाद से हो रहे हैं, जो हमें सारी जानकारी मिल रही है, तो ये समझ में आ रहा है कि अगर ये संशोधन एक बारी हो जाता है, आज तक रिजर्वेशन आरक्षण सिर्फ जाति आधार पे एससी एसटीज ओबीसीज को दिया जाता था, क्योंकि इस देश की एक सच्चाई है कि जाति के आधार पर असमानता है। एक बारी ये संवैधानिक संशोधन का रास्ता खुल जाता है, उसके बाद बीजेपी और आरएसएस इसको अगले कदम में, क्योंकि वो शुरू से आरक्षण का विरोध करते हैं। ये बात सारी में तो समझ ये गया, पहले पहला कदम है। पहली वाली लाइन में सारा समझ गया था मैं, सिर्फ सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी इस आर्थिक रूप से जो स्वर्णों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है इस बिल का विरोध कर रही है, सिर्फ इतना जानना है मुझे, एक विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा से इस बिल के चर्चा से वॉकआउट इसलिए किया है, और हमने इस बिल के सपोर्ट में वोट नहीं किया है, हमने वॉकआउट इसलिए किया है क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। अगर ये मामला सिर्फ 10% आरक्षण तक रुक जाता, एक तो पहले उसमें ये 8 लाख की संख्या डाल दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मामला सिर्फ यहाँ पे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर रुक जाता तो फिर हम शायद वॉकआउट ना करते, लेकिन क्योंकि ये अब ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा चाहती है कि जातीय आधार पे आरक्षण को हटाया जाए और हम इस षड्यंत्र का समर्थन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसके पक्ष में वोट नहीं किया। मेरा वही एक सवाल मेरा यही है कि क्या आप मौजूदा बिल के स्वरूप से मौजूदा बिल के स्वरूप से नाराज हैं या फिर आप आर्थिक हम चाहते हैं इसके ऊपर देखिए सदन के अंदर सर मैंने कहा की बात समझ आप क्या कह रहे हैं कि क्या मौजूदा बिल से नाराज हैं आप लोग या फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का ही विरोध कर रहे हैं आप? हम ये चाहते हैं कि संसद के अंदर इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो, सरकार के मंसूबों के बारे में खुलासा हो और फिर इसके ऊपर वोटिंग हो।